हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स भाई एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी ट्रिक वगैरह होती है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ ही कोई नई अपडेट वगैरह होती है हम आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए आज अपन बात करेंगे वो जेट का रिजल्ट को लेकर। तो आप अगर जेट का जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो गया है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो पहले गूगल खोलिए, गूगल के ऊपर लगाइए AU जोधपुर। AU जोधपुर आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट साइट आती है जो आपकी कॉलेज की फर्स्ट साइट आ जाएगी, www.aujodhpuracin। तो इस पर जैसे ही आप विजिट करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमने पहले भी जो जेट से रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेश्चन थे या प्रश्नोत्तरी थी वो भी हमने पहले भी अपडेट वगैरह दी थी। आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया था आपने, ये सब कुछ मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो ऐसे ही अपन आज बात करेंगे कि जेट का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस चीज़ के संशय में रहते हैं कि अपन रिजल्ट तो आ गया लेकिन उसको डाउनलोड कैसे करें या वो देखें कैसे। तो जैसे कि अपन जो ये मेन वेबसाइट थी आपकी कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर का मेन इंटरफेस दिख रहा है। तो जैसा आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ये देखने को मिलेगा, इसके अंतर्गत आपके क्या दिया गया है, जेट प्रीपीजी PhD ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसके ऊपर आप जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये अपन ने कर दिया तो इसके अंतर्गत तो साफ साफ दिख रहा है कि रिजल्ट ऑफ जेट एंट्रांस एग्जामिनेशन 2022 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। जो आपका एग्ज़ाम है उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके बाद में आप ऑप्शनल फॉर्म कैसे भरोगे उसकी भी हम आपको जानकारी दे देंगे। तो आई होप कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हर चीज़ की जानकारी देंगे, कितने नंबर पे कौन सी कॉलेज मिलेगी, कैसे आपको क्या करना है। तो जैसे कि ये इंटरफेस देखते हो ना तो आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आता कि रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट आप कहाँ देखोगे। तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करें, रिज़ल्ट कैसे देखें, और जैसा कि ये ऊपर दिया गया है इसके ऊपर भी कोई टच नहीं होता है। तो चलो मैं बताता हूँ आप कैसे रिजल्ट देखोगे। तो आपको ऊपर तीन डॉट दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको तीन डॉट दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो आपको आएगा जेट का ऑप्शन, है ना, और नीचे इससे पहले आपको दिखेगा पहला होम, फिर कैंडिडेट लॉगिन, फिर जेट प्रीपीजी और फिर PhD। तो आप जैसे ही कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको ये एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिलअप करना है, फिर आपका एग्ज़ाम ये सॉरी पासवर्ड है वो, और ज़्यादातर पासवर्ड देखने को मिलेंगे आपको डेट ऑफ बर्थ। अगर किसी के पास में भूल गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो डेट ऑफ बर्थ होती है आपकी वही पासवर्ड होते हैं। इसके बाद में जो आपको नीचे दिखाई देगा आप ID, ये जो आपके नंबर थे वो लगा दिए, पासवर्ड लगा दिए। उसके बाद में जो आपका एग्ज़ाम है आप जेट का, PPG का, PhD का, है ना, वो आपको फिल करना है। उसके बाद में ये कैप्चर दिया हुआ है, जैसे 1+6 तो इसका मतलब 7 हो गए, तो इसके अंतर्गत 7 फिल करने हैं और फिर आपको लॉगिन करना है। तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको पूरा इंटरफेस खुल जाएगा आपका फॉर्म। उसके अंदर जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे आपको जो आपका रिजल्ट है उसको शो कर देगा कि आपकी कौन सी रैंक है, कौन सा क्या है। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर इसमें काफ़ी समझ में नहीं आया आप लोगों को तो आप कोई भी विद्यार्थी हमें ID और पासवर्ड दे देना, फिर हम उसको आपको लाइव प्रूफ डाउनलोड करके बता देंगे, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको लाइव कैसे आप एकदम लाइव तरीके से कैसे देखोगे डाउनलोड करके, तो उसका भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। तो जेट का जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। अगर कोई भी विद्यार्थी जो जेट का एग्ज़ाम दिया है वो अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। अगर कोई भी आपकी क्वेश्चन हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।